बेबीज बंक रूम के पीछे ऐसे ख्याल था कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि बेबी के बेडरूम में क्या क्या कूल स्टफ होंगे। तो ऐसे चीज दिमाग में आ गई और आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। पहले हमने एक बैकड्रॉप से ले किया उसके लिए कि ऐसा कौन सा बैकड्रॉप होना चाहिए कि जो डिफाइन करे कि बेबी के बेडरूम में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है। सो वी गॉट दिस बैकड्रॉप और हमने फिर एक एक प्रॉप कलेक्ट करना स्टार्ट किया जो एक इंटरेस्ट तैयार करें। सो वी गॉट दिस ग्लोब, उसके बाद हमने सोचा मे बी एक एंटी टेलीफोन अच्छा दिखेगा। कैन यू शो मी? या श्योर। सो ये हमने क्यूट सा टेलीफोन लिया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी चेयर एंड देन वी गॉट दिस क्लॉक। और फिर हमने एक क्यूट सा आइडिया आया कि जो बेबी का बर्थ टाइम रहेगा वो हम लोग इस क्लॉक में फ्रीज करके रखेंगे। सो और वो एक अलग चीज डिफरेंट चीज बन जाएगी। एंड एंटी बॉक्स कि शायद बेबी उसके सब चीज़ें क्लोज या फिर ग्रेनरी वगैरह वो इसमें रखती है, ऐसा ही ये हो जाएगा। सो वी गॉट दिस बॉक्स। ऑब्वियसली एक बर्थडे शीट है तो बेबी टर्निंग वन के लिए कुछ तो एक चाहिए था। सो दिस वन लेटर एंड द मोस्ट फेमस थिंग द शो स्टॉपर वी गॉट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम टाइमलेस किचन। हमारी वेरी डियर फ्रेंड क्रिस्टलीना ने ये बर्गर बनाया है विच इज फेक फूड एक्चुअली, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना रियलिस्टिक है ये। सी दिस इज अ बर्गर बन, चीज अगेन, टमेटोज, अनियंस, पैटी भी आप देख सकते हो यहाँ पे और लेचिस एंड अगेन दिस बर्गर इज कम्प्लीट। सो आई रियली फील कि इसको मैं अभी खा जाऊँ लेकिन वी कैन नॉट ईट दिस। And the second thing is, this is a so cute beer can, beer mug, और इतना प्यारा बनाया उसने beer can. Thank you so much, Crystalina, for this. If you want to check out Crystalina's Instagram handle, so we'll post in the description box. और वो बहुत ही creative है, मतलब you can see this. सो हम लोग कोलेबोरेशन शूट जो करने वाले हैं वो अंशिका के साथ करने वाले हैं। अंशिका के साथ हमने पहले भी एक शूट किया हुआ है। वी थॉट दैट शी कैन गिव अस द बेस्ट एक्सप्रेशन वी वांटेड फॉर दिस थिंग। Very good. बाप रे ये चाहिए ओके ये अंश कानू में यश कहाँ पे कपड़े कहाँ पे चलो निकालेंगे। इसके पास ना एक रैबिट का आउटफिट है बट वो
सो ये है सेटअप नया वाला। कैसे लग रहा है आपको न्यू से? और अंशु मुझे कौन सा चॉकलेट देगी? एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मुझे सारे शूट बहुत अच्छे लगे, मतलब फोटोज ना यार ऑसम, विदाउट एडिटिंग रॉ फोटोज भी इतने अच्छे हैं ना, बहुत सही है। और आप लोग जो मींस कंफर्टेबल हो जाते हो ना ब्यूटी के साथ, अंशु के साथ जो कंफर्टेबल, वो कितना एंजॉय करती है वो तो सबसे वो एक्चुअली मन से हमको वो मतलब करना पसंद है, इसलिए वो हो जाता है कि वो हो जाता है। तो एक हो गया, ब्लॉग हो गया, अब क्या? What about Marvel?